ओम शांति। आज आप सभी को बाप दादा की कर्मभूमि शांति वन के अंदर जो 86 शिव जयंती के उपलक्ष्य सजावट की गई है और उसकी साथ साथ बाप दादा की कर्मभूमि आदियों का शक्ति स्तंभ और प्रकाश स्तंभ और उसी के साथ साथ अव्यक्त लोग ये सभी की अवलोकन करेंगे और जहां झंडा रोहन किया जाएगा उसका भी हम सभी वीडियो देखेंगे उसी जगह का और सभी चारों तरफ शांति वन की अवलोकन करेंगे, डायमंड हॉल के भी देखेंगे। चलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कमेंट अवश्य कीजिए, लास्ट तक देखते रहिए। ओम शांति। कितनी अच्छी नज़ारा है, पूरी डायमंड हॉल की नज़ारा आप सभी देख सकते हो, कितना सुंदर लग रहा है। आइए आप सभी को डायमंड हॉल की नज़ारा आप दिखाता हूँ, चारों तरफ की और अंदर की। दादी जी की समाधि, चारों तरफ की नज़ारा कितना खूबसूरत है, ये देख सकते हो। डायमंड हॉल के ऊपर बाप दादा की झंडा कितनी शांति से लहरा रहा है। हमारी प्यारी मीठी दादी जानकी जी की फोटो देख सकते हो। दादी गुलजार जी की समाधि अव्यक्त लोग, कितनी अच्छी नज़ारा। कितनी अच्छी नज़ारा है, कितना सुंदर लग रहा है। डायमंड हॉल बहुत सुंदर नज़ारा है, ये देख सकते हो। कितनी अच्छी नज़ारा डायमंड हॉल की। चलिए जिस जगह पर दादी जानकी जी की समाधि है उस जगह पर जो सबसे बड़ा झंडा है उसी जगह पर झंडा रोहन किया जाएगा शिवरात्रि को, ये देख सकते हो। बहुत सुंदर नज़ारा,
बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी अच्छी तरह सजावट की गई है। बहुत सुंदर नज़ारा, ये बाबा की झंडा, बाप दादा की, कितना सुंदर लहरा रहा है। दादी जानकी जी की समाधि की ऊपर, इस जगह पर झंडा रोहण किया जाएगी। इस स्थान पर 86 शिव जयंती का महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा शांतिवन के अंदर। ये देख सकते हो बाबा की झंडा। और दादी जी का शक्ति स्तंभ, इतना सुंदर नज़ारा। कितनी खूबसूरत डायमंड हॉल की नज़ारा देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा। कितनी अच्छी नज़ारा। ये डायमंड हॉल के पीछे की साइड है।
कितनी अच्छी नज़ारा आप देख सकते हो। अभी हम सभी डायमंड हॉल में जाएंगे। चलिए ना खूबसूरत नज़ारा। डायमंड हॉल की तरह चलेंगे। इतना अच्छी नज़ारा है ये देख सकते हो। कितना सुंदर नज़ारा ये देख सकते हो। कितना सुंदर लग रहा है दृश्य। बाप दादा की स्टेज, जिस स्टेज पर बैठकर बाप दादा सारा विश्व को ज्ञान देते थे, सारा विश्व का कल्याण करते थे। बच्चों और बाप का दोनों का बर्थडे है, आत्मा और परमात्मा की, इस जगह पे मनाया जाता था। आज आप सभी को डायमंड हॉल की दृश्य, जो शिवरात्रि में सजावट की गई है, कितना सुंदर लग रहा है। सभी अपना आपको अनुभव करें, जैसे हम सभी बाप दादा की स्टेज पर हम बाप दादा से मिल रहे हैं और साथ साथ जन्मदिन मना रहे हैं। ये देख सकते हो कितनी अच्छी तरह सजावट की गई पूरी डायमंड हॉल को। कितना सुंदर नज़ारा। कितना अच्छा लग रहा है।
इतना सुंदर नज़ारा, पूरी डायमंड हॉल। बाप दादा की जन्मदिन, उसके साथ सभी बच्चों का जन्मदिन है। कितना सुंदर लग रहा है ये डायमंड हॉल की दृश्य। इसी हॉल पर हम सभी बाबा की जन्मदिन मनाते थे, सभी बच्चों की जन्मदिन मनाया जाता है यहाँ। ये देख सकते हो सभी आत्मारूपी बच्चों के साथ बाबा परमात्मा जन्मदिन मनाते हैं। कितनी अच्छी दृश्य ये। आपको पीछे से दिखाता हूँ जहाँ बाप हैप्पी बर्थडे बाप दादा का लिखा गया है। पूरी डायमंड हॉल की नज़ारा बहुत सुंदर। कितने अच्छे नज़ारा। यहाँ देख सकते हो हैप्पी बर्थडे बाप दादा हिंदी में भी लिखा गया है। सबसे पीछे से आपको पूरी डायमंड हॉल की नज़ारा। कितना सुंदर नज़ारा है। ये देख सकते हो एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ से चारों तरफ पूरी जैसे एक परमात्मा है, ये चारों तरफ सभी आत्माओं है। ये देख सकते हो ये सेंटर पॉइंट है, ये चारों तरफ देख सकते हो। बहुत अच्छी नज़ारा। बाप दादा की सभी आत्माओं की ये स्टेज है। इस स्टेज पर बाप दादा आते थे। ये देख सकते हो कितनी अच्छी नज़ारा, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये।
चलिए बाहर चलते हैं। बाबा की कमरे की तरह जाएंगे।